गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, चैप्टर 8 हमारा मेज़रमेंट चल रहा था। मेज़रमेंट में हम माप रखते हैं, हर एक का मेज़रमेंट अलग अलग होता है। जैसे लिक्विड चीज़ों को लीटर में, लीटर में बताया था प्रीवियस क्लास में, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा चुकी हूँ। आई होप वो आपको सब क्लियर हो गया हो। आज हमारा एक्सरसाइज 8.4 ऐड द फॉलोइंग, इसमें क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है। तो मीटर सेंटीमीटर में है, इसको कैसे ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7, 0 और 1 1, और 8 और 2 कितना हो गया 10। तो आपका ये क्या हो गया 101 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपने इसको ऐड किया 101 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। अब ये क्या है, बी किलोग्राम और ग्राम, एडिशन ऐड करना है। तो सिंपल है, एडिशन का मतलब क्या है, 9 और 4 कितने, 9 और 5 कितने होते हैं 14 का 4, 1 इधर कैरी लगाएंगे 2 और 1 3, 7 और 4 2 और 1 3, 7 और 4 11, 11 का 1, 1 इधर कैरी लगाएंगे 6 और 1 7 और 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका 57 kg 134 ग्राम। इसको आपको ऐड करना है इस तरीके से। सी लीटर और मिलीलीटर है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है 101 2, 503 8, 204 6, 178 9। तो आपका क्या हो गया 91 लीटर 682 ml। इस तरीके से आपको ये ऐड करना है। जिस पे मैं टिक कर रही हूँ वो आपको होमवर्क में करना है। ई 3 तो मैंने कर दिए, वो भी करना है आपको। एफ एच और आई, ये चार सम्स जो हैं वो आपको होमवर्क में करना है। 3 मैंने कर दिए, 4 आपको होमवर्क में करना है आज की डेट में। अब नीचे क्या है, ऐड बाय अरेंजिंग इन कॉलम। तो जो भी सम होता है आपको अरेंज करके लिखना है कॉलम में, तो आपको अरेंज करके ही लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। अभी आपने एग्ज़ाम में क्या किया था, बहुत से बच्चों ने कराया, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें आप लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो जिसमें क्या होता है आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। किस तरीके से इसको कॉलम में करना है मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ये दिया हुआ है 8 kg 250 ग्राम, 22 kg 400 ग्राम एंड 8 kg 850 ग्राम। तो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर दिया हुआ है आपको ये सॉल्व किया है ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर केजी ग्राम, इस तरीके से आपको केजी और ग्राम ये आपको कर लेना है। तो केजी के नीचे केजी और ग्राम के नीचे ग्राम। तो फर्स्ट क्या है 250 ग्राम, तो आपको 250 ग्राम इस तरीके से आपको लिख लेना है और 82 kg। सेकंड क्या है 22 kg एंड 400 ग्राम, तो 400 ग्राम के नीचे ग्राम और केजी के नीचे 22 इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्या है 8 kg 815 ग्राम, तो 815 ग्राम को आप डिजिट के नीचे डिजिट इस तरीके से सॉल्व करेंगे और कितना है 8 kg। तो आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऊपर 0 है 0, 5 5 और 1 6, 2 और 4 6, 6 और 8 कितने होते हैं 14 का 4, 1 इधर कैरी लगाएंगे 2 2 4 और 1 5, 5 और 8 कितने होते हैं हमारे 13 का 3, 1 इधर कैरी लगाएंगे 9 10 11। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 113 kg 465 ग्राम। इस तरीके से आपको ये कॉलम में अरेंज करके सॉल्व करना है। इस सम को आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे ना, तो आपका ये क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। और आपको कॉलम में इस तरीके से ही अरेंज करना है डिजिट के नीचे डिजिट। इसका मैं बी एक और समझा देती हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो। क्या है इधर 35 लीटर 360 ml एंड 29 लीटर 800 ml एंड लास्ट क्या है 10 लीटर 50 ml। क्या है 50 ml। तो इसको आपको क्या करना है, इधर लीटर वाला l लिखना है और इधर ml, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो मिलीलीटर क्या है आपका 063 और लीटर क्या है 35, तो 5 और ये 3, इधर क्या है 829, तो 800 मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर और लीटर के नीचे लीटर एंड लास्ट क्या है आपका 1050। तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको 50 और ये 10। तो आप इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करेंगे 0 6 और 5 11, 1 इधर कैरी लगा देंगे 3 और 4 4, 3 और 1 4, 4 8 कितने होते हैं 12 का 2, 1 इधर कैरी लगाएंगे 5 और 1 6, 6 और 9 कितने होते हैं
15 का 5, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 3, 4, 5, 6 और 1, 7. तो आपका आंसर क्या आ गया, 75 लीटर 210 ml. ये आपका आंसर हो गया. इस तरीके से कॉलम में अरेंज करके इसको सॉल्व करना है. आई होप ये कॉलम में अरेंज करना है. डिजिट के नीचे आप डिजिट लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो छोड़ देना है. जैसे मैंने डिजिट के नीचे अरेंज किया ना, इसी तरीके से आपको अरेंज करके सवाल को सॉल्व करना है. तो ऊपर वाले क्वेश्चन के मैं 4 होमवर्क में दे चुकी थी, इसमें 2 मैं करवा चुकी हूँ और 1 आपको होमवर्क में करना है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब नीचे क्या है, सब्ट्रैक्शन. जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखो किलोमीटर मीटर, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 0 में से 0 गए 0, 5 के नीचे 0 है तो नहीं कुछ जाएगा. 4 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ये अपने साथ वाले से कैरी ले लेगा, 14 हो गया. और यहाँ पे क्या बचा, 7. 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5. 7 में से 3 गया 4, तो इसका क्या आया, 4 किलोमीटर 550 मीटर. ये आपका आंसर हो गया. इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. अभी क्या है, केजी और ग्राम. जैसे कि मेजरमेंट में माप सबका अलग अलग होता है, आपको पता है. तो ये किलोग्राम और ग्राम है. और ये क्या कहता है, किलोमीटर मीटर, ये डिस्टेंस के लिए कहा जाता है. और ये जब हम कोई भी सामान लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राम और केजी में आता है. रॉ मटेरियल 0, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2. तो आपका क्या है इसमें, 28 केजी, पूरा 28 केजी. तो इसको आपको इस तरीके से करना है. 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, इससे कैरी ले लेंगे, इसके पास 5 बचेगा. 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 15 में से अगर हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, 5 में से 4 गया 1 और 1, तो आपके पास क्या हो गया, 11 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, mm का मिलीमीटर. मैं आपको टेबल में करवा चुकी हूँ. तो ये आपके 3 मैंने सब्ट्रैक्शन के कर दिए, बाकी के ये 3 आपको होमवर्क में करना है, डी ई और एफ. और वैसे ही सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने एडिशन में बताया है, वैसे ही आपको डिजिट के नीचे डिजिट लगाना है और उसके बाद सॉल्व करना है. जैसे सब्ट्रैक्शन को कॉलम में किस तरीके से अरेंज करेंगे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. यह आपका क्वेश्चन है, 87 किलोमीटर 425 मीटर फ्रॉम 152 किलोमीटर एंड 350 मीटर. तो आपको किसमें से, इसमें से, ये ज़्यादा है ना, इसमें से ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, किलोमीटर और यहाँ मीटर. तो मीटर इधर कितना है आपका, 350, तो 053 किलोमीटर क्या है, 251. सब्ट्रैक्ट करना है डिजिट के नीचे, नहीं डिजिट 425 है तो राइट हैंड पे क्या है, 5 वंस की प्लेस पे, तो 524 मीटर के नीचे मीटर, किलोमीटर क्या है हमारा, 87, तो 781 को आपको ऐसे ही छोड़ देना है. इस तरीके से आपको कॉलम में अरेंज करना है. अब सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, ये इससे कैरी ले लेगा, 10 हो गया. और इसके पास खुद कितना बचा, 4, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 4 में से 2 करा 2, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, ये इससे ले लेगा, इसके पास 1 बचेगा. और ये कितना हो गया, 13, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 9, 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, ये इससे कैरी ले लेगा, कितना हो गया, और इसके पास कितना बचेगा, 4. तो आप ऐसे कट करके ऊपर लिख देंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी. 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4. अभी क्या है, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये इससे ले लेगा, और टोटल कितना होगा, 14. 14 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 66. तो क्या आएगा इसका आंसर हमारा, 64 किलोमीटर 925 मीटर. ये आपका अरेंज करने के बाद इस तरीके से आंसर आपका आएगा. आई होप कॉलम में अरेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. बहुत इजी है, केजी है, ग्राम है, तो ऊपर आपको केजी लिखना है और ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम वाली डिजिट लिखनी है और केजी के नीचे केजी की डिजिट लिखनी है. और सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो किसमें से, इसमें से, इसमें से इसको डिजिट, इस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बी डी और ई. इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं कॉलम में अरेंज करके. तो प्लीज़ इसको आप कॉलम में अरेंज करके ही सॉल्व करें, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे. तो कॉलम में अरेंज जिस तरीके से मैंने बताया आपको, किलोमीटर मीटर, यहाँ पे कुछ सम्स भी दिए हुए हैं, ये कॉलम में अरेंज है. और यहाँ पे क्या है, ऐसे ही दे देते हैं, और जिसको आपको कॉलम में अरेंज करके खुद सॉल्व करना होता है. अब एक्सरसाइज 8.5 है, ये भी बाय एड बाय अरेंजिंग कॉलम इन कॉलम.
फर्स्ट क्वेश्चन इसका नहीं करना है, तो आपको क्या लिखना है, केजी डैग 9 ग्राम। तो आपको ऊपर क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालनी है केजी डैग और ग्राम, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल लेना है। और फिर आपको इसके नीचे ये नंबर और डैग के नीचे ये 9 के नीचे ये करके आपको फिर क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। तो इसमें से आपको दो सवाल आपको होमवर्क में करना है, सेम जैसे मैंने कॉलम में अरेंज करने बोला है ना, किलोमीटर हेक्टोमीटर डैम है, तो इस तरीके से आपको इसके 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 नीचे लिखना है और फिर आपको ऐड करना है। इसमें दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इसी के यहाँ पे पीछे सब्ट्रैक्ट बाय अरेंजिंग इन कॉलम, इसको अरेंज करना है, मीटर एंड सेंटीमीटर इन सबको ऊपर अपॉन में करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें आपको ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट आते हैं इधर एक्सरसाइज 8.6 पे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम सेम है, स्टेटमेंट मस्ट होती है, आपको स्टेटमेंट लिखना है और इसको सॉल्व करना है। तो अब वर्ड प्रॉब्लम है आपका एक्सरसाइज 8.6। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है जो है, सोहन बाउट 90 लीटर 500 ml डीजल फॉर हिज बस। अपने बस के लिए वो कितना टोटल डीजल खरीदता है, 90 लीटर 500 ml। ड्यूरिंग द डे 68 लीटर 825 ml ऑफ इट वॉज यूज। कितना यूज हो जाता है, इतना यूज हो चुका है। हाउ मच डीजल इट स्टिल लेफ्ट इन द बस, में कितना स्टिल अभी भी बचा है। तो आप कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, सोहन बाउट डीजल कितना है, 90 लीटर 500 ml। तो टोटल यूज्ड कुल कितना यूज़ हुआ, 68 लीटर 825 ml। सो आपको क्या करना है, लीटर के नीचे लीटर, ml के नीचे ml, तो लीटर आपका कितना है 90 और 68, ml आपका कितना है 500 और 825। तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, हमें लेफ्ट मालूम करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लेफ्ट में हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। जीरो में से फाइव तो जाएगा नहीं, इसके पास भी जीरो है, तो ये इससे कैरी ले लेगा, ये 10 हो गया, ये 10 इसको दे देगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 हो जाएगा। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7, यहाँ क्या बचा था हमारे पास 4, तो ये इसके इसके पास भी नहीं है, तो ये अपने साथ वाले से लेगा, ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 14, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और यहाँ क्या बचा था, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो टोटल, तो आप इसका आंसर लिखेंगे डीजल, डीजल इज स्टिल लेफ्ट इन द बस इक्वल्स टू 21 लीटर 675 ml। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हैंस डीजल लेफ्ट, डीजल वॉज लेफ्ट इन द बस 21 लीटर 675 ml। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट के साथ ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपका एक और वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द स्कूल रेस अनिल रन 1 किलोमीटर 250 मीटर 35 सेंटीमीटर। अनिल जो है वो इतना दौड़ा और अंजू जो है वो इतने किलोमीटर दौड़ी और अमर जो है वो इतना किलोमीटर दौड़ा। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, तो अनिल रन इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 325 मीटर 250 मीटर और 35 सेंटीमीटर। उसके बाद अंजू रन, अंजू रन कितना, अंजू कितना दौड़ी, 2 किलोमीटर 325 मीटर 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कौन है, अमर, अमर रन इक्वल्स टू 3 किलोमीटर 175 मीटर 22 सेंटीमीटर। तो सो आपको क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर ऑल टुगेदर, मिलकर इन लोगों ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो क्या करते हैं हम, ऐड करना है इसमें, जब कुल पूछा जाए टोटल तो हम उसको ऐड करते हैं। तो आपको ऊपर क्या लिखना है, किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर, जैसा मैंने पीछे बताया कि किस तरीके से आपको कॉलम में अरेंज करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या था, 1 किलोमीटर 250 मीटर और 35 सेंटीमीटर। अंजू का कितना था, 65 सेंटीमीटर 325 मीटर और 2 किलोमीटर।
अमर का कितना था? 22 सेंटीमीटर, 175 मीटर और 3 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, कुल पूछा है, इसको इस तरीके से अरेंज करके ऐड करना है। 5 और 5 10 और 2 12 का 2 1 इधर कैरी लगाएंगे, 6 3 9 और 1 10 11 12 का 2 1 इधर कैरी लगाएंगे, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 1 इधर कैरी लगाएंगे, 5 1 6 7 8 8 और 7 कितने होते हैं 15 का 5 1 इधर कैरी लगाएंगे, 3 4 5 1 6 और 5 11 1 इधर कैरी, 1 2 2 4 और 3 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 किलोमीटर, 151 मीटर, 22 सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, हैंस टोटल डिस्टेंस डिड दे कवर ऑल टुगेदर इक्वल्स टू 7 किलोमीटर, 151 मीटर, 22 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट के साथ ये सवाल को पूरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10 आपको होमवर्क में करना है। वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया हो मेजरमेंट का चैप्टर। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।